तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलटॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं सुपरस्टार आईएएस, सुपरस्टार आईपीएस। यह एक सीरीज है जो आप देखेंगे पोलटॉक पर यूट्यूब चैनल पर जाकर के। तो आपने पहले दिन देखा दीपक रावत को, आज एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी हम लेकर के आए हैं जो सोशल मीडिया में वायरल तो रहता है लेकिन उसका समाज में भी बड़ा इम्पैक्ट है। आप समझ चुके होंगे 23 साल की नौकरी में 53 बार अगर उस किसी का ट्रांसफर हो जाए तो ये कितनी अद्भुत कहानी होती है। ये कहानी है अशोक खेमका की। अशोक खेमका के बारे में आप जानते होंगे, 1991 बैच के आईएएस हैं जो हरियाणा कैडर के हैं और इनका जन्म होता है कोलकाता में। इन्होंने खड़गपुर आईआईटी से इन्होंने टॉप किया था 1988 में और खेमका जो है लगातार टॉपर लिस्ट में रहे। और इनकी इन्होंने पीएचडी की है मुंबई यूनिवर्सिटी से और लगातार हरियाणा में इनके ट्रांसफर की कहानी छाई रहती थी। दरअसल अशोक खेमका चर्चा में तब आए जब इन्होंने हरियाणा में प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का जो एक डील था और वहाँ हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इसके बाद भी इन्होंने उस डील को रद्द कर दिया था और तभी चर्चा में आ गए। और उसके बाद इनकी ट्रांसफर की कहानियां खूब हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने 15 महीने लगातार काम किया था। अशोक खेमका कई बार ट्वीट बोल करके भी चीज़ों को टारगेट कर देते हैं, कई बार उनकी चर्चा होने लगती है। अशोक खेमका की कहानी आप किसी से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफर, अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अधिकारी ऐसा है जो ट्रांसफर ही केवल पाता है, काम कम करता है ट्रांसफर ज़्यादा पाता है क्योंकि वो एक उसका ट्रैक है और वो उस हिसाब से काम करता है। बंगाली हैं और इनका अपना एक रुतबा है और ये हमेशा टक्कर लेने का प्रयास करते हैं। अशोक खेमका पर एक किताब आ रही थी, अनटोल्ड स्टोरी अशोक खेमका, उसको आने के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो शायद आपको देखने को ना मिली, लेकिन उन किताब की भी कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो सुपर स्टार यह आईएएस ऐसा है जो समाज में भी जाना जाता है। अशोक खेमका 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं, ये सबको पता है। लगातार वो काम करते हैं और चर्चा में आते हैं। उनके पास कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पे उन्होंने काम किया। हरियाणा में ही नहीं बल्कि अशोक खेमका की चर्चा पूरे भारत में होती है। अशोक खेमका एक ऐसे अफसर हैं जो बगावत करते हैं, सरकार किसी की भी हो वो डरते नहीं हैं, चाहे वहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे दोनों की रही हो, लगातार उन्होंने दमदारी से काम किया। वैसे भारत में बहुत सारे आईएएस हैं लेकिन जो सुपरस्टार की लिस्ट हमारी है उसमें अशोक खेमका दूसरे नंबर पे आते हैं। जो ट्विटर फेसबुक पर इसी चर्चा में नहीं होते कुछ वो करते हैं क्योंकि इसलिए चर्चा में होते हैं, सरकार उनके साथ कुछ ऐसा करती है जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं। लोग उनका फेसबुक ट्विटर पर चर्चा में उनको लाते हैं, लोग उन पर बात करते हैं, उन लोगों पर बात करें या न करें। अब अशोक खेमका की कहानी बहुत ज़्यादा छिपी नहीं है। जो सीरीज है सुपरस्टार आईएएस आईपीएस की, इसमें अशोक खेमका दूसरे नंबर पर थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि दीपक रावत अशोक खेमका की कहानी को आपने देखा है, आपको पसंद आया होगा क्योंकि ये स्टोरियाँ ऐसी हैं जो आपको हर जगह देखने को मिली हो। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगा कि अशोक खेमका को लोग कहते हैं ट्रांसफर वाला अधिकारी। एक आईएएस के जीवन की जो सारी चीज़ें हैं वो इनके साथ आप देख सकते हैं। अशोक खेमका के बारे में यही जानकारी है और ये सब चीज़ें हैं। लगातार वो काम भी करते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, सरकार किसी की हो लेकिन अशोक खेमका डरते नहीं। और अधिकारियों से उम्मीद भी यही होती है कि वो निष्पक्ष होकर के सरकार के दबाव में बिना आए काम करें, इससे समाज का भी हित हो और लोगों का जो मामला है वो सॉल्व हो जाए। तो अब अगली कड़ी में हम किसी एक और आईपीएस को लेकर के आएंगे जो चर्चा में बने रहते हैं। तो आज कहानी बस इतना ही। अशोक खेमका की आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लगातार हम आपको ऐसी जानकारी, ऐसे अधिकारियों के बारे में लेकर के आपको प्रस्तुति देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।